हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, आईटी लिटरेसी में आज हम काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी टॉपिक से सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी होंगी। उसके बाद दोस्तों हम टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है डोमेन नेम। दोस्तों, डोमेन नेम क्या है और क्यों डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी वेबसाइट पर विजिट किया होगा और देखा होगा कि कुछ वेबसाइट के पीछे .com लिखा हुआ होता है और कुछ वेबसाइट के पीछे .gov लिखा हुआ होता है, कुछ वेबसाइट के पीछे .org लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, वेबसाइट के पीछे हमने ये जो नाम यूज़ किए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डोमेन नेम। दोस्तों, डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है वेबसाइट को एक अलग पहचान देने के लिए, या फिर उस वेबसाइट को बनाने का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, उसको समझने के लिए। कैसे? जैसे दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर .com लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉम का मतलब है कॉमर्शियल। तो दोस्तों, जिस वेबसाइट के पीछे डोमेन नेम .com लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाओगे कि वो वेबसाइट एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, या फिर उस वेबसाइट को किसी कॉमर्शियल पर्पज़ से बनाया गया है। अब दोस्तों, ऐसे ही आपको .edu लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पर .edu का मतलब है एजुकेशनल, यानी शिक्षा से रिलेटेड। आगे है .mil, तो दोस्तों यहाँ पर .mil का मतलब है मिलिट्री। आगे है .gov, तो दोस्तों यहाँ पर .gov का मतलब है गवर्नमेंट। आगे है दोस्तों .org, तो दोस्तों यहाँ पर .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन या संस्था। कोई संगठन या संस्था अपनी वेबसाइट बनाती है तो वो .org डोमेन नेम का यूज़ करेगी। आगे है .net, तो यहाँ पर नेट का मतलब है नेटवर्क। आगे देखिए दोस्तों, आगे है .int, तो दोस्तों यहाँ पर int का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारे क्या हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी जो वेबसाइट होंगी उस पर हमें डोमेन नेम .int मिलेगा। उसके बाद है .in, तो यहाँ पर इन का मतलब है इंडिया। आगे है .uk, तो UK का मतलब है ब्रिटेन। तो दोस्तों, ऐसे ही सभी कंट्रीज़ अपने अलग अलग डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, हम ये जो नेटवर्क के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क को हम दूरी के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला है लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन। अगर आप इनका इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लैन होता है LAN, मैन होता है MAN और वैन होता है WAN। अब चलिए बारी बारी से इनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहले पढ़ेंगे लैन के बारे में। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आप लिख लीजिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला होता है। जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, लोकल यानी कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्रफल तक ये सीमित रहेगा। जैसे किसी घर में रखे दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क, या किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर्स का नेटवर्क, या किसी बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क। यानी जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो बहुत ही सीमित दूरी तक फैला हुआ होता है। जैसे किसी घर घर के अंदर हो सकता है, किसी ऑफिस में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, यानी लिमिटेड जगह पर रहेगा। दोस्तों, अगला है मैन, यानी MAN। इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से अधिक शहरों के बीच फैला हुआ होता है। यानी दो शहर हो सकते हैं, चार शहर हो सकते हैं, यानी कुछ सिटीज़ के बीच में जो नेटवर्क फैला हुआ हो सकता है, जो उसका एरिया है वो दो से तीन शहरों के बीच में है, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे कि ये नेटवर्क मैन है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। आगे है दोस्तों वैन, यानी WAN। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, वैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेट है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में लागू है, पूरे वर्ल्ड में है, तो इसीलिए इसको हमने नाम जो दिया है वो भी ऐसा ही दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी ये पूरे
वर्ल्ड में चलता है, चाहे तो आप दो कंट्रीज के बीच लागू कर लीजिए, चाहे चार कंट्रीज के बीच। उसके बाद दोस्तों, इस प्रकार का नेटवर्क का प्रयोग बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशन, जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। समझते हैं एक्सटेंशन क्या है। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, तो वीडियो की जो फाइल होती हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो के फाइल के पीछे 3GP लिखा हुआ होता है, कुछ के पीछे MP4 लिखा हुआ होता है, किसी के पीछे AVI लिखा हुआ होता है, किसी के पीछे MKV लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो फाइल थी उनके पीछे इतने सारे हमने ये जो नाम यूज़ किए हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक्चुअल में बताते हैं उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में। जैसे हमारे पास कोई ऑडियो फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल है, तो उस ऑडियो फाइल के पीछे कहीं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा MP3, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा WAV, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो नाम हम यूज़ करते हैं फाइल्स के पीछे, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम में बनते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन लिखे हैं। सबसे पहले है ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन। तो दोस्तों ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, पहला है .AIF, दूसरा है .MP3, तीसरा है .WAV, चौथा है .MPA, अगला है .CDA और .WMA। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये ऑडियो फाइल्स के इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन हैं। आगे हैं इमेज के, तो इमेज के है .JPEG, या फिर हम इसी को कह देते हैं .JPG। आगे है .PNG, .GIF, .ICO, आगे है .TIF। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे है वीडियो फाइल्स के कुछ एक्सटेंशन, जैसे 3GP, AVI, MKV, MP4, MPEG और FLV और M4V। ठीक है, आगे है टेक्स्ट फाइल के, यानी हमारी जो कुछ टेक्स्ट फाइल होती हैं, जैसे नोटबुक हम बनाते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ होता है, जैसे आपके पास PDF फाइल होती है तो PDF फाइल के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उनको हम टेक्स्ट फाइल बोल देते हैं। तो दोस्तों इनके कुछ एक्सटेंशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे डॉक फाइल, PDF फाइल और टेक्स्ट फाइल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में कि सर्च इंजन क्या होता है। मामूली सी बात है लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे वेब पर सूचनाओं का विशाल भंडार उपलब्ध है, जैसा कि हम जानते हैं, परंतु वांछित सूचनाओं को खोजना सरल नहीं है। यानी आप किसी चीज़ को खोजना चाहते हैं, हम जानते हैं कि वेब पर सब चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारा वहाँ पर क्या है, विशाल भंडार है सूचनाओं का, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को खोजना है, सपोज़ करो आप किसी टॉपिक पर अटक गए हो फिजिक्स के, और आप क्या चाहते हो उस टॉपिक के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कहाँ पर जाते हो सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आप या तो गूगल पे जाते हो, याहू पे जाते हो, तो आप किसी की मदद लेते हो सर्च करने के लिए। तो दोस्तों ये जो गूगल है, याहू है, ये सब हमारी सर्च करने में मदद करते हैं, तो इन्हीं को हम सर्च इंजन बोलते हैं। चलिए एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में लिखा है कि वेब पर सूचनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक खोजने के लिए अनेक शोधकर्ताओं ने वेब को विभिन्न विधियों से इंडेक्स करने के लिए अनेक प्रोग्राम लिखे हैं। वे प्रोग्राम जो वांछित सूचनाओं के लिए वेब पर सर्च करते हैं वो सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसा हम लोगों ने बात की, वेब पर अनेक सर्च इंजन उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों जो लोकप्रिय सर्च इंजन है, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। जैसे पहला है गूगल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दूसरा है याहू, तीसरा है हॉटबॉट, चौथा है डॉगपाइल और पांचवा है अल्ता विस्ता। दोस्तों ये पांच सर्च इंजन हैं जो फ़िलहाल काफ़ी चल रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो आप जानते हैं गूगल है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है शॉर्ट नेम, यानी कोई भी पूरा बड़ा नाम होता है कुछ, तो उसका हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट नेम रख देते हैं, एक छोटा नाम रख देते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कल वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसको हमने क्या बुलाया था, उसको हमने बुलाया था WWW। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा नाम यानी शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, WWW हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही जो कंप्यूटर्स हैं उसमें बहुत सारे उनके पार्ट्स के या फिर उनके प्रोग्राम के बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनको शॉर्ट नाम पर बुलाया जाता है, और वो एग्ज़ाम में बनते भी हैं।
क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ शॉर्ट नेम देखने वाले हैं, जैसे पहला है AVI। दोस्तों AVI अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन। तो AVI की फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ठीक है। अगला है BIOS, BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है CAD, तो CAD है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। आगे है CDR, तो CD की फुल फॉर्म आपको पता है, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पर R का मतलब है रिकॉर्डेबल, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे है CDRW, तो CD के बारे में हमें पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब है रीराइटेबल, यानी जिसको दोबारा से लिखा जा सकता हो। आगे है CPU, तो CPU को हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है CS, इसको भी सब जानते हैं कंप्यूटर साइंस, और आगे है CSE, तो इसको भी जानते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आगे देखिए दोस्तों, आगे है DNS, DNS की यहाँ फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था। आगे है FS, तो FS सिंपल है फाइल सिस्टम। आगे है FTP, तो इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है GB, इसकी फुल फॉर्म है गीगाबाइट। आगे है GIF, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। दोस्तों आगे यहाँ पर कुछ नाम और हैं, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। मैन की अभी हम लोगों ने बात की थी, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB होती है मेगाबाइट। MS होता है माइक्रोसॉफ्ट। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PAN यानी पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे है रैम, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे है दोस्तों TCP और IP। तो दोस्तों यहाँ पर TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे है URL, तो दोस्तों URL का यहाँ पर मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे है USB, USB है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे है WWW, तो इसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आगे है WAN, तो WAN नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है DVD, तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। कहीं पर आपको वीडियो की जगह वर्सेटाइल भी मिल सकता है, ठीक है। आगे है वाईफाई, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों आगे कुछ और नाम है, जैसे GUI, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे है HTML, HTML और HTTP, दोस्तों इनको आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे है HTTP, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है IBM, IBM कंपनी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी, तो IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे है IC, तो IC के बारे में हम जानते हैं, IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आगे है IP, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे है ISP, ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों ये जो ISP है ना, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराए। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, इंटरनेट की सर्विस आपको कौन प्रोवाइड कराता है, यानी किसकी मदद से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके पास कुछ सिम होते हैं, जैसे आइडिया का सिम, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट को, यानी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आइडिया, वोडाफोन, ये सारी कंपनी होती हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों IT, तो दोस्तों यहाँ पर IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे है JPEG, तो दोस्तों JPEG क्या है, ये एक इमेज का एक्सटेंशन है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। JS की फुल फॉर्म होती है JavaScript, और KHZ, K का मतलब होता है किलो, और HZ हम जानते हैं हर्ट्ज, तो KHZ का मतलब हो जाएगा किलो हर्ट्ज। आगे है LAN, तो LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों आगे है ISDN, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे है HDD, तो HDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव।
आगे है पीपीपी। तो दोस्तों पीपीपी की बहुत सारी फुल फॉर्म होती हैं, लेकिन हम जो ये फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, ठीक है। तो पीपीपी की यहाँ फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आगे है ओएसआई, तो ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आईएसओ। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आगे है एडीएसएल, दोस्तों एडीएसएल की फुल फॉर्म होती है आइसोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे है एमआईपीएस, एमआईपीएस की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आगे है आईआईएस, तो दोस्तों आईआईएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, या फिर हम आईआईएस की फुल फॉर्म दूसरा हम बोलते हैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। यानी दोस्तों हमने पहले एस की जगह सर्विस का यूज़ किया और बाद में हमने एस की जगह सर्वर का यूज़ किया। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस बोल दीजिए, चाहे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर बोल दीजिए। आगे देखिए दोस्तों डीएसएल, डीएसएल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे है ओएमआर, तो ओएमआर की हम फुल फॉर्म जानते हैं, दो फुल फॉर्म होती हैं, मतलब एक ही होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा है इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, यानी कि ओएमआर। आगे है सीजीआई, तो सीजीआई की फुल फॉर्म होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस। आगे है वीजीए, तो वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब दोस्तों जितनी भी थ्योरी थी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई, अब आप तैयार हो जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है लैन किसका लघु रूप है। तो लैन दोस्तों किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे है कंप्यूटर संक्षिप्तकर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है, तो केबी का फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे है दोस्तों ईमेल का विस्तृत रूप है, दोस्तों ईमेल का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए दोस्तों, आगे है सीयू का पूर्ण नाम क्या है, तो दोस्तों ये हमने कल पढ़ा था, सीयू का पूर्ण नाम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और सीयू भाग होता है सीपीयू का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप देखिए अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में यहां पर पी का मतलब प्रोसीजर दे रखा है, गलत होता है, प्रोसीजर गलत होता है, और तीसरे ऑप्शन में भी यहां पर प्रिंटिंग दे रखा है, तो तीनों गलत हैं, हम जानते हैं पी का मतलब यहां पर प्रोटोकॉल था, ठीक है, तो बाकी के तीन एलिमिनेट हो गए। आगे देखिए दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखिए दोस्तों, आगे है वाईफाई को यह भी कहा जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। आगे देखिए दोस्तों, आगे है वैन का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है और आप जानते हैं इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है, तो अभी हम लोगों ने बात की थी आईएसडीएन की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वीजीए का पूरा नाम क्या है, तो इसकी भी अभी हम लोगों ने बात की थी, वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सीजीआई का पूरा नाम क्या है, तो सीजीआई का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। दोस्तों इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही हैं जो हमने अभी पीछे थ्योरी में डिस्कस किए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है, तो पहला ऑप्शन गलत और यहाँ पर आर का मतलब राइट दिया हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डीएनएस का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक यही था डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएसएल का पूरा नाम क्या है, डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एडीएसएल का पूरा नाम क्या है,
तो दोस्तों क्या होता है ADSL का पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर सी, एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MIPS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों MIPS का पूरा नाम क्या था? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? MIPS बोलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्या था? यूनिवैक का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिवैक क्या था? कंप्यूटर था जो पहली जनरेशन में बनाया गया था। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ISO का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे याद है, जब मैंने CCC का एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म के लिए, और 3-4 क्वेश्चन और भी आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IIS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों IIS के दो पूरे नाम होते हैं, या तो होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर या फिर होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी में हमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है CDR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी CDR की, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और जब उसके साथ R आता है तो R का मतलब होता है रीडेबल। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। शब्द PC का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों DNS का पूरा नाम क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है CAD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है OSI का पूरा नाम है? तो दोस्तों ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दोस्तों आगे ये दो क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होता है, यहाँ पर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है .edu डोमेन द्वारा शिक्षण संस्थान की साइट दर्शाई जाती है, यानी एजुकेशनल साइट दर्शाई जाती है। तो दूसरा जो है ये हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके मेमोरी की यूनिट से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था 1024 बाइट। यहाँ पर बाइट बात कर रहा है BYTES की। ठीक है, 1024 बाइट्स किसके बराबर होती हैं? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1 KB के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मेमोरी की यूनिट से रिलेटेड है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो दोस्तों जब 4 बिट आपस में मिल जाते हैं, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल के। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर सी, कि 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, तेज चलता है और सबसे महंगा भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। अब क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं, अगर वैश्विक क्षेत्र की बात आई है यानी विश्व की बात आई है, तो हम किस नेटवर्क का यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं वैन का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी फॉर बॉल यहाँ पर करेक्ट होगा, वाइड एरिया नेटवर्क।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। आपके जो वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस होते हैं, वो किसको नष्ट करते हैं? वो नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोडेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को भी हम नहीं छू सकते, डाटा को भी हम नहीं छू सकते, हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों मेगाबाइट यहाँ पर क्या है? MB है, और बाइट यहाँ पर क्या है? BYT है। तो हम जानते हैं जब हम बाइट से KB पर आते हैं तो हम गुणा करते हैं बाइट में कितने की? 1024 की। और फिर हम जब KB से MB पर आते हैं तो फिर से हम 124 1024 की गुणा करते हैं। तो 1024 गुणा 1024 आप कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। MB प्रयोग किया जाता है, यानी MB की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो दोस्तों MB की फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने लिखी थी, क्या होती है? मेगाबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, वह नेटवर्क जो कंप्यूटर व अन्य डिवाइसों को एक छोटे भूभाग में आपस में जोड़ता है। छोटा भूभाग, कितना छोटा भूभाग? जैसे घर, जैसे स्कूटर, जैसे कंप्यूटर लैब व बिल्डिंग आदि, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर दीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मॉनिटर एक टीवी सेट की तरह होता है, लेकिन यह है टीवी सिग्नल की सॉरी टीवी सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, जो काम मॉनिटर कर सकता है, जो काम मॉनिटर कर सकता है वो टीवी भी कर सकता है, और जो काम टीवी कर सकता है वो मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि मॉनिटर एक टीवी सेट की तरह होता है, लेकिन यह टीवी सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह गलत बात है, वो कर सकता है प्राप्त। उसके बाद यह साफ पिक्चर नहीं देता, तो ये भी गलत बात है, मॉनिटर साफ पिक्चर देता है। आगे है, ग्राफिक्स नहीं दर्शाता है। तो ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी इमेज होती है, जो आपकी वीडियो होती है, वो नहीं दर्शाता। तो ये भी गलत बात है, बिल्कुल दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर दो ही कथन दिख रहे होंगे, कुछ कथन और दिखा देता हूं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, एक बड़े भूभाग में डाटा के संचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क। तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि बड़े भूभाग में जो डाटा का संचार होता है वो वैन के जरिए होता है। आगे है, एक सीमित भूभाग, तो सीमित में नहीं होता, इसकी तो कोई लिमिट नहीं होती वैन की। आगे है, इस नेटवर्क में तीन प्रयोगकर्ता काफ़ी दूरी से जुड़े होते हैं। गलत बात है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तीन हो या चार हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेट डोमेन का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने बात की थी, नेट डोमेन का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के आधारभूत संरचना एवं सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, नेट फॉर नेट इंटरनेट या नेटवर्क। आगे है दोस्तों, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों वेब पेज का एक्सटेंशन होता है HTML। MP4 किसका होता है? वीडियो का होता है, जो आप वीडियो फाइल चलाते हैं, और MP3 होता है ऑडियो फाइल का। अगला क्वेश्चन है, वेब और .mid किस प्रकार की फाइल हैं जिन्हें पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों इन दोनों के बारे में हमने अभी बात की थी कि ये दोनों जो एक्सटेंशन है वो साउंड फाइल के होते हैं। साउंड फाइल को हम क्या बोल सकते हैं? ऑडियो बोल सकते हैं, यानी ये दोनों जो एक्सटेंशन है वो ऑडियो फाइल के हैं, और इन्हें हम पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP उपलब्ध है लोकल के लिए, रीजनल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो किसी लिमिटेड एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे देश के लिए लागू करते हैं। तो ऐसे बहुत हैं जो लोकल, रीजनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी करेक्ट होगा।
आगे आइए दोस्तों, आगे है एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रैम, RAM। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1 MB बराबर होती है, तो दोस्तों 1 MB बराबर होती है 1024 KB के। अगले क्वेश्चन पे आइए, 1 GB में कितने MB होते हैं। तो दोस्तों 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं 1 GB के अंदर। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मैंने PDF बना ली है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी देश का गलत डोमेन नाम चुनिए। तो दोस्तों किस देश का गलत डोमेन नेम यहाँ पर दिया गया है। भारत का इन होता है, सही बात है। यूके यानी ब्रिटेन का होता है यूके, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का AU होता है, जबकि कोरिया का .CA नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल एड्रेस बना होता है। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस कितने भाग से मिलकर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 भाग से मिलकर बनता है। सबसे पहले आप अपना नाम डालते हैं, यानी अपना नाम यानी जो आप जो यूज़ करने वाला है उस ईमेल आईडी को। तो यानी पहले यूज़र का नेम होगा, फिर एट द रेट होगा, बीच में एट द रेट होगा, बाद में क्या होगा, gmail.com होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग हो गया एट द रेट के बाद वाला। तो 2 भाग से मिलकर बनता है। अब जैसे दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि ईमेल एड्रेस मारुति एट द रेट gmail.com में मारुति क्या है, तो ये हम लोगों ने अभी बात किया था कि जो एट द रेट से पहले होता है वो होता है यूज़र का नाम। जैसे आपका नाम रोहित है, तो आप ईमेल आईडी बनाना चाहोगे कुछ इस तरह की कि रोहित एट द रेट gmail.com या रोहित 15@gmail.com। तो एट द रेट से पहले जो नाम आएगा वो यूज़र का आएगा, यानी जो प्रयोग कर रहा है उसको। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के जवाब आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्यवसायिक यानी बिजनेस वेबसाइट का डोमेन क्या होता है। तो दोस्तों सोचिए क्या होता है, इसका क्या होता है। व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल की बात की गई है, तो .com होता है। आगे है दुनिया का पहला गणना यंत्र, तो दुनिया का पहला गणना यंत्र था अबेकस, जो बनाया था चीन में, ठीक है, लगभग 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अल्ता विस्ता है, गूगल भी है, याहू भी है, जबकि फेसबुक क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट का क्या प्रयोग है। सूचना का आदान प्रदान कर सकता है, जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं, और सूचना का प्रसारण भी हम कर सकते हैं, यानी इंटरनेट के प्रयोग से हम ये उपयुक्त तो सभी कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में साइज के अनुसार निम्न में से क्या बढ़ते क्रम में सही है। कंप्यूटर आपको कौन से दे रखे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम व सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, फिर उससे थोड़ा और बड़ा होता है मेन फ्रेम, और फिर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर दिया हुआ है, तो माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है, तो ये ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है, तो ए और सी दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है मध्यम, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में मध्यम दे रखा है, तो ये सही है, जबकि सी में बहुत बड़ा दे रखा है मिनी कंप्यूटर, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत है और सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर मध्यम होता है, मेन फ्रेम बड़ा होता है, वह सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो इनका सीक्वेंस है वो बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 GB बराबर होता है, तो अभी हम लोगों ने बात की थी 1 GB यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB के। अगला क्वेश्चन लीजिए, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि दोस्तों हम टेलीफोन से अमेरिका फोन लगा सकते हैं, अपने घर के पास में भी फ़ोन लगा सकते हैं, यानी हम पूरी दुनिया में कहीं भी फ़ोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों टेलीफोन लाइन में किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग किया जाएगा, वैन का यूज़ किया जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था, तो
तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में चलाई जाती थी वैक्यूम ट्यूब यानी वॉल्व, दूसरी में चलाई जाती थी ट्रांजिस्टर, और तीसरी से स्टार्ट हो गया आपका आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे देखिए दोस्तों, आगे है ऑफिस में एक वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप ऑफिस से किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप क्या बनाते हो, कोई फाइल बनाते हो वर्ड फाइल, तो उसका जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा डॉक, यानी डॉक फाइल आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये एक्सटेंशन आपको तब मिलता है जब आप नोटपैड से कोई चीज़ बनाते हो, ठीक है। आपके फ़ोन में भी होगा नोटपैड होगा, ठीक है, नोट्स लिखने के लिए। अगर आप उससे कोई फाइल बना के देखिएगा तो उसका जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा वो TXT मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्ड कंप्यूटर सर्किट परिचित हुए थे। तो अभी हम लोगों ने बात की ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में आए थे, सेकेंड जनरेशन में आए थे। अगले क्वेश्चन पे आइए, किस प्रकार का नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर व अन्य डिवाइसों को जोड़ने के लिए कार्य करता है, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN, क्योंकि वो सीमित क्षेत्र के लिए होता है। आगे दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 TB यानी 1 TB बराबर होता है 1024 MB के, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 TB बराबर होता है 1024 × 1024 MB के, ठीक है, अब ये सही है। आगे देखिए, एक वेब पेज जो वेब पर सब कुछ खोजती है सर्च इंजन कहलाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो वेबसाइट जो वेब पर सब कुछ आपको खोज के देगी वो सर्च इंजन कहलाएगी, जैसे गूगल, अल्ता विस्ता और याहू वगैरह। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है, यानी कौन सा इनमें से क्या कहते हैं उसे सबसे अलग है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है JPG, तो ये होता है फोटो यानी इमेज का एक्सटेंशन, GIF ये भी इमेज का एक्सटेंशन होता है, PNG ये भी इमेज का यानी फोटो का एक्सटेंशन होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी है वेब, ये होता है ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन। तो ये क्या है, ये इनमें विषम है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखिए, नोटपैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो ये मैंने भी आपको बताया था, नोटपैड द्वारा अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको TXT मिलेगा। आगे आ जाइए, आगे है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, और एक्साइट भी एक सर्च इंजन है, जबकि रेडिफ एक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में बनाए गए एक उच्च कोटि के डोमेन का नाम क्या है। तो दोस्तों डोमेन नेम अभी भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे डोमेन नेम हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में डोमेन नेम बनाया गया है, जो क्या है, स्टैंडर्ड डोमेन है, वो है प्रो, ठीक है, आपने देखा भी होगा कुछ वेबसाइट के पीछे आपको .pro लिखा हुआ मिला होगा, ठीक है। मैन क्या है, मैन कीमत है, कंपनी है या नेटवर्क है, आप जानते हैं मैन एक नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, डैश के अलावा सभी उच्च कोटि के डोमेन हैं, यानी इनमें एक ऐसा है जो उच्च कोटि का डोमेन नहीं है, यानी स्टैंडर्ड डोमेन नहीं है। तो दोस्तों कॉम एक स्टैंडर्ड डोमेन होता है, MIL यानी जो मिलिट्री के लिए यूज़ होता है ये भी एक स्टैंडर्ड डोमेन है, जबकि है .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डोमेन है, जबकि ये जो आर्मी है ये एक स्टैंडर्ड डोमेन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो दोस्तों वीडियो फाइल का एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर ए 3GP बिल्कुल करेक्ट है, जैसे आपका 3GP, MP4, MKG, MKV, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके ये जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुए, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से, और यहां पर आपका ऑलमोस्ट आईटी लिटरेसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग 150 समथिंग हो गए होंगे, तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और जो आगे भी और क्वेश्चन करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और आपका आईटी लिटरेसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।